अब इसकी पूरी कल्पना है और ये कुछ दिनों में ये चीज होने की पूर्ण संभावना मैं देखती हूँ। अब हम आज का जो वुमेन्स डे सेलिब्रेशन का प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए अपनी सेक्रेटरी रीटा गांधीवास से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो सदन को आगे की कार्यवाही आगे बढ़ाए। He, by birth, a celebrity. She has an aura about herself, be that her beauty, her elegance, her charm, her poise, her smile, or just her presence. She is the enigma called woman. She should be celebrated every day, everywhere. So, good afternoon, friends. Today we are here to celebrate a multifaceted creation of God. So to celebrate, for this celebration, we are very fortunate to have with us Abha Panditji. So I will request our chairperson, Sachi Malik, to welcome Abha Panditji. चुनाव जीत के आई है और तीसरी बार ये जीती है, इसके लिए मैं सदन से चाहूंगी। Women have come a long way in their struggle for equality, but there is still a long distance to cover. And being a woman entrepreneur comes with many challenges, many difficulties. But when you dare to dream, so you soar high and touch the sky. So this has proven true by two of our executive committee members, our dear chairperson Sachi Malik and our past president Anita Rao. Friends, our Vidarbha Industries Association had a very proud moment when three of its executive members had a privilege to attend the National Women Parliament at Vijayawada, Andhra Pradesh. And it's a great pride and honor for VIREW that two of its executive members were selected, our chairperson Sachi Malik and past president Anita Rao. I request Sachi Malik to share her experience at National Women Parliament. इसके पहले मैं एक आपको सूचना देना चाहती हूँ। बॉम्बे में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक सिक्स्थ ग्लोबल एग्जीबिशन होने जा रही है, जिसमें महिला एम्पावरमेंट इस बार का थीम है और उसमें B2B बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशन में स्टॉल यदि आप चाहो तो वो भी ले सकते हैं। तो इस साल वुमेन एंटरप्रेन्योर लेडीज विंग की तरफ से एक डेलीगेशन जा रहा है, वहाँ पे 5,000 उनकी डेलीगेशन फीस है। 3 दिन का ये सिंपोजियम है और इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड से 30 कंट्रीज से लेडीज आ रही हैं और लेडीज का लेडीज के साथ B2B कराने की पूरी पूरी योजना है। तो मुझे लगता है कि इसका हमें फायदा उठाना चाहिए और क्या मार्केट कह रहा है और क्या वर्ल्ड हमसे चाह रहा है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की चीजों का सभी लोग देख रहे हैं। तो यदि हम वहां जाके कुछ अपना उसमें प्रोडक्ट दे सकते हैं तो उसमें हम लोगों के नागपुर के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका रहेगा। तो जो भी इसमें करना चाहता है, ये ईमेल आईडी है, आप लोग देख लीजिए और इसमें कर सकते हैं। और जिनको नाम लिखवाना है वो ऑफिस में नीता के पास नाम लिखवा दीजिए, ताकि हम लोगों का जो ग्रुप बनेगा उसमें हम आप लोगों को भी लेके जा सके। और ये जो डेट है ये 12 तारीख के अंदर ही आप लोगों को देंगे, ताकि सारे पूरी प्रोसीजर हम लोग कर पाए। नेशनल वुमेन पार्लियामेंट का बुलाना एक सचमुच में हम लोगों के लिए गर्व की बात थी। ये 3 दिन का नेशनल वुमेन पार्लियामेंट था जो कि अमरावती में, जो विजयवाड़ा के पास आंध्र प्रदेश में था, और श्री चंद्रबाबू नायडू का ये मूर्त रूप था, उनकी ये योजना थी। 2 साल पहले पूना में मिस्टर करार, जो IIT यूनिवर्सिटी है पॉलिटिक्स की, वहाँ पे ये जब चंद्रबाबू नायडू जी से मिस्टर करार की मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा क्यों ना हम एक आंध्र प्रदेश में वुमेन पार्लियामेंट करें।
तो 2 साल के अथक परिश्रम के बाद ये पूरी योजना बहुत शुरू हुई। इसमें सभी देश के गणमान्य व्यक्ति, महिलाएं सब आई और वुमेन एम्पावरमेंट में पूर्ण 3 दिन तक 68 स्पीकर्स ने चर्चा की। सबसे फर्स्ट डे दलाई लामा, श्री रविशंकर, मनीषा कोइराला और सभी गणमान्य व्यक्ति वहां पे आए। उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट में किस तरह से परिवर्तन लाना है उस पे 3 दिनों तक टॉक्स चलते रहे। साथ ही साथ उन्होंने 22,000 गर्ल्स को बुलाया था और हम 1,000 मेंटर्स की तरह से गए थे, जो कि सोशल साइड से एंटरप्रेनर थे, फिल्में हस्तियां थी और उनकी 1-to-1 स्टूडेंट्स के साथ टॉक्स करवाई थी। वहाँ काफी सारे सिंपोजियम्स हुए थे और उसमें हमें उन्हें क्या आगे करना है और वो क्या चाहते हैं हमसे और क्या गवर्नमेंट से चाहते हैं, इस बारे में पूरे से चर्चा हुई। सुबह से लेके हमारा 12:30 बजे तक जो था, तो उसके भी उसमें सबसे ज्यादा क्या रिक्वायरमेंट है सोशल लेवल पे, क्या रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक लेवल पे, एम्पावरमेंट कहाँ पे जरूरी है और किन महिलाओं को इसका आखिरी अंत महीना तक इसका फायदा जाए। तो चंद्रबाबू नायडू जी का सोचना था कि हम लोगों से ही डिमांड करते हैं कि आपको क्या चाहिए, हम उस तरह के उस तरह का विजन लेके, उस तरह का विजन लेके हम उस तरह के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे। तो उसमें उन्होंने हर लड़कियों से लिखवा के चार्ट में लिया कि आपकी क्या डिमांड है, आप क्या चाहते हो और हमने जो वहाँ पे आउटपुट दिया था उससे उन लोगों को किस तरह का बेनिफिट मिले। हर एक मेंटर्स के साथ 200-250-300 लड़कियाँ थी और हमारा 2 बजे से 6 बजे तक उनके साथ इंटरेक्शन होता था। सभी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कॉलेज, एमबीए कॉलेज के थे, जो कि उनके साथ हम लोगों के जो चर्चा सत्र चलता था उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आई थी। उसके बाद काफी सारे वहाँ पे 33% रिजर्वेशन का डेट था ही, जो कि हर एक लोग की डिमांड थी और उससे पार्लियामेंट में अभी आने की उम्मीद है इस बार, ऐसा कहा जा रहा था। वहाँ पे हर लड़की को वहाँ चार्ट में फिलअप करना था और वो सारी की सारी जानकारियाँ और काफी सारी चीजें हमारी वहाँ पे रिकॉर्ड भी हो रही थी। हम लोगों के साथ में ये जो अमरावती है, ये मैनहट्टन की तरह से चंद्रबाबू नायडू जी को बनाने की कल्पना है। उन्होंने वहां पे बहुत विशाल कृष्णा नदी है और उसके साथ उन्होंने गोदावरी को जोड़ा है और वो जो पवित्र संगमम नाम दिया है उसको, और वहां पे उन्होंने जैसे कि हरिद्वार में आरती होती है उस तरह का पूरा माहौल बना के और उसको एक बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट की तरह से उन्होंने डेवलप किया है और वो चाहते हैं कि इसको हम विश्व रूप में विश्व के लेवल का बनाएं और लोग टूरिस्ट की तरह से वहां पे पहुंचे। हम सबके साथ एक मेंटर था जो कि एमबीए कॉलेज के प्रोफेसर थे और कुछ 160 क्वेश्चंस उन्होंने वहां पे डेलीगेट के लिए बनाए थे जिनका हमें इंटरेक्शन करना था बच्चों के साथ। हमारे लिए शाम को कल्चरल एक्टिविटीज भी हुआ करती थी जिसमें कविता कृष्णमूर्ति, तलत अजीज, अनूर जलोटा जैसे कई हस्तियों के प्रोग्राम्स होते थे। और इस तरह से जो 3 दिन का वुमेन पार्लियामेंट था उसमें हमारा एक दूसरे से रिलेशन बहुत अच्छा बना, क्या हमें चाहिए वो क्लियर हुआ। और दूसरा हमारा अभी भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि हमसे जुड़े हुए हैं और हमसे पूछते रहते हैं कि मैडम हमें क्या करना है, किस तरह से करना है। कुछ लड़कियों की तो इच्छा थी कि वो नागपुर का क्या है रेडी एंटरप्रेनर रिंग, आप लोग आके हमारे कॉलेज में इस तरह के रिंग शुरू करें। फिर ईडीपी सर के बारे में उन्हें नहीं पता था तो उसके बारे में हम लोगों ने उनको जानकारी दी। तो ऐसे वहाँ की लड़कियाँ जो हमने देखा कि बहुत ही इंटरेक्टिव थी, आउटस्पोकन थी और उनकी कमांड तो सब्जेक्ट के बारे में बहुत ही अच्छी थी, तो ये एक मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस वहाँ की लड़कियों में और यहाँ की लड़कियों में दिखाई देता है।
बाकी ओवरऑल हमारा 3 दिन का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा, हमने काफी कुछ सीखा वहाँ पे और सारे लोगों के साथ लेडीज के साथ जब इतना बड़ा संगम होता है तो वह एक अलग ही आनंद देता है, उसकी हमें बहुत ही अच्छी अनुभूति मिली वहाँ। It is said that if you want anything said, ask a man. But if you want anything to be done, ask a woman. They have done their task by mentoring thousands of girl students to achieve their goals and to become confident in whatever they do. Thank you, Sachiji. Now I request our advisory committee member, Prasunnata Roy, to shed light on Women's Day. सिंबल ऑफ वुमेन स्ट्रेंथ, अभी मैंने बात की उनसे कि मैं पॉलिटिक्स कभी पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन खाली आपकी जो इंफॉर्मेशन आई थी वो पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि व्हाट इज वुमेन कैन डू, अकेली रह के भी क्या कर सकती, तो शी इज द सिंबल एंड वी आर फॉर्चुनेट टू हैव हर हियर। मंच पर उपस्थित सभी मेरे फ्रेंड्स एंड ऑल माई फ्रेंड्स प्रेजेंट हियर, गुड विशेस ऑफ इंटरनेशनल वुमेन डे टू ऑल ऑफ यू। आज वुमेन्स डे के बारे में मैं हर साल ऑलमोस्ट आई डोंट नो कब से कमिंग ईयर्स आई हैव बीन कमिंग एंड टेलिंग यू, तो हिस्ट्री और इसके बारे में ज़्यादा बता के आपको बोर नहीं करना है, थोड़ा प्रोग्राम लेट भी शुरू हुआ है तो थोड़ा कट शॉर्ट करके जो भी वुमेन्स डे के बारे में मैं बता सकती हूँ आप तक पहुँचा सकती हूँ वो प्रयास करूँगी। वुमेन्स डे ये संकल्पना जो है वो शुरू होके आज 108 साल हो गए ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट वर स्टार्टेड इन 1908 पहली बार, और ये सब कॉन्सेप्ट सुनने से पहले एक बार जान में लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी मानसिकता रहती है कि ये जो भी अत्याचार है हमारे ऊपर अन्याय है और समाज वो लेवरेटी वो खाली हमारे देश का ही चित्र है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है, इट्स अ ग्लोबल पिक्चर और पूरे दुनिया की ये समस्या है। इसीलिए 1908 में पहली बार न्यूयॉर्क में महिलाएं रास्ते पर आई और उनकी डिमांड क्या क्या थी, उनको वोटिंग राइट मिलना जरूरी था, उनको समान वेतन चाहिए था और काम पर जो उनके वर्किंग आवर्स थे वो उनको कम करके चाहिए थे, क्योंकि इन तीन चीजों में उन पर अन्याय हो रहा था। उसके साथ ये जो मूवमेंट शुरू हो गई कि महिलाओं को अपने हक की पहली बार कुछ संवेदना हो गई और उन्होंने अपना मुंह खोलना शुरू किया, फिर उसके बाद 1910 में क्लेरा ज़ेटकिन नाम की एक लेडी थी, शी वाज़ अ जर्मन लेडी हु इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ दिस इंटरनेशनल वुमेन्स डे, क्योंकि पहली बार उसने खुद इसके लिए बहुत कुछ किया, शी वाज़ द लीडर और ये मूवमेंट को वो आगे बढ़ा दी गई, और ये उनका सजेशन था कि 8 मार्च या तो कोई एक दिन ऐसा रहे कि दुनिया भर के लोग, क्योंकि ये सेलिब्रेशन पूरी दुनिया में होता है, तो एक दिन कोई फिक्स करके उसी दिन ये सेलिब्रेशन पूरी दुनिया में हो जाए, एंड द डे वाज फिक्स्ड एज 8th of March। तो तब से ये सेलिब्रेशन अभी 8 मार्च को ही फिक्स होता है ऐसा नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, बट दैट डे इज रिगार्डेड एज इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और तब से, और ये होता क्यों है आप सबको पता है, हम पढ़ते रहते हैं कि महिलाओं की जो सोशल इकोनॉमिक कल्चरल एंड पॉलिटिकल अचीवमेंट है, क्योंकि एक महिला की जो किसी भी फील्ड में अचीवमेंट होती है उसके लिए उसको बहुत युद्ध करना पड़ता है, इट इज नॉट इजी टास्क, बहुत जो अभी पहले मैंने बताया वो सब दिक्कतें वो ऑब्स्टेकल्स पार करके उसको
ये अचीवमेंट्स करनी पड़ती है। तो ये अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करना, लोगों को उसके बारे में जानकारी देना और उसको अप्रिशिएट करना, उनको अवार्ड देना ताकि वो आगे बढ़ने के लिए उनको मदद करे और आगे के काम के लिए उनको इंस्पायर करे। ये बेसिक ऑब्जेक्ट, ये दिन सेलिब्रेट करने में हर जगह कहीं भी सेलिब्रेशन हो तो ये बेसिक ऑब्जेक्ट रहता है, क्योंकि टू गो फॉरवर्ड वी ऑलवेज नीड सम अप्रिसिएशन एंड सम मोटिवेशन। तो और दूसरी बात यह है कि अभी जैसे हमारे प्रेसिडेंट मैडम ने कहा कि महिलाओं का इकट्ठा आना ये बहुत बड़ी एक शक्ति बन जाती है, तो ये दिन इसके लिए भी काम में आता है कि वी ऑल कम टुगेदर टू गिव मोर स्ट्रेंथ टू आवर सेल्फ। यूनाइटेड नेशंस ने हर साल, बहुत सालों से चालू है, यूनाइटेड नेशंस हर साल इंटरनेशनल वुमेन्स डे के थीम्स डिक्लेयर करती है। अभी पिछले 5 साल के थीम्स रिजल्ट रीड आउट 1900 और ये थीम्स बहुत सोच समझ के महिलाओं की स्थिति के अनुसार उस साल जो काम करना है यूनाइटेड नेशंस को और पूरे दुनिया को उस हिसाब से बनाए जाते हैं। सो दे आर वेल थॉट एंड वेल स्टडी। मैं 5 साल के आपको 2 मिनट में पढ़ा के दिखाती हूँ। तो 1912 द थीम वॉज एम्पावर रूरल वुमेन एंड पॉवर्टी एंड हंगर। 13 अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस टाइम फॉर एक्शन टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। 14 इक्वालिटी फॉर वुमेन इज प्रोग्रेस फॉर ऑल। 15 एम्पावरिंग वुमेन इज एम्पावरिंग ह्यूमैनिटी। 16 मीन्स लास्ट ईयर का प्लेज फॉर पैरिटी और इस साल का बहुत ही अच्छा है बी बोल्ड फॉर द चेंज। बी बोल्ड फॉर द चेंज। तो आज तक का मुझे तो लगता है बहुत ही अर्थपूर्ण और जिससे मतलब थीम से ही हम लोग सब इंस्पायर हो गए आगे के काम के लिए, ऐसा थीम है। अभी जब बदलाव की बात आती है तो चेंज अगर हम लोग बोलते हैं कि चेंज इज अ कॉन्स्टेंट थिंग, हर चीज अपने आसपास की बदलती रहती है, तो खास करके अगर महिलाओं की स्थिति के बारे में हम क्या बदलाव आए हैं ऐसा अगर पूछते हैं इससे ब्रॉड टर्म, तो ग्लोबली क्या हो रहा है जागतिक स्तर पे बहुत कुछ बदला है, बदल रहा है, बदलेगा, उसको छोड़ देते हैं। हम देखते हैं अपने इंडियन सिनेरियो में क्या हो रहा है। तो अगर महिलाओं की स्थिति पीछे पीछे मुड़के अगर देखते हैं तो क्या बदल रही है या नहीं, आपको क्या लगता है, यस और नो? दैट्स व्हाई वी आर हियर। जो बैठने का मौका हमें मिल रहा है तो डेफिनेटली, और मतलब ये तो हर भाषण में, हर जगह, हर पेपर में हम पढ़ते रहते हैं कि महिलाओं ने कितने क्षेत्रों में तरक्की की है। आई नीड नॉट टॉक ऑन दैट। हर क्षेत्र में उनका प्रेजेंस है निश्चित रूप से, बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज द परसेंटेज आज भी बहुत कम है हर फील्ड में, भले वो पॉलिटिक्स हो, जैसे मैंने अभी आबादी से कहा ना, नहीं हम लोग दूर रहते हैं, सो दैट इज द रीजन कि नहीं बढ़ रहा है वहाँ का, हमारा प्रेजेंस नहीं बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द ब्लॉक इन अवर माइंड। और दूसरी बात यह है कि अगर बदलाव की बात करते हैं और सोचते हैं तो रोज जो हम पेपर पढ़ते हैं तो उसकी तरफ अगर देखते हैं तो मन में, या तो स्टैटिस्टिक्स, अगर कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि इट विल बी बेटर इफ आई क्लोज दी नेक। भयंकर स्टैटिस्टिक्स है महिलाओं के अत्याचार के संदर्भ में, अगर हम वो नंबर्स अगर देखना शुरू करते हैं तो इट इज मतलब फेयरफुल है, नहीं वी कैन नॉट डाइजेस्ट इट। तो स्टैटिस्टिक्स में नहीं जाते हुए अगर हाल ही में क्या हालत है ऐसा अगर देखते हैं, तो आई हैव ब्रॉट ओनली 2 पेपर्स, करंट पेपर्स। 7 मार्च का टाइम्स ऑफ इंडिया है, वो कहता है, बिजनेस पेज है, दैट वुमेन अर्न 25% लेस देन मेन इन 2016। ओके, सो इट इज अबाउट कॉर्पोरेट वुमेन। तो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। उनकी एफिशिएंसी उतनी ही है जितनी, मैं तो बोलूंगी ज्यादा है, ज्यादा है उनसे, ज्यादा है, हर कोई एग्री करेगा, बट दिस इज द फैक्ट। दूसरी एक भयंकर न्यूज अभी तो लाइमलाइट में है कि वेस्टर्न महाराष्ट्र के सांगली जिले में आप सबने पढ़ा होगा कि
more than 19 fetuses found dumped in Sambli, all Sabhi girl fetuses थी. तो ये सुन के भी पढ़ के भी हमें अंदर से इतना दुख होता है. आज भी हमारे यहाँ सेव अ गर्ल चाइल्ड, हमारी वंदना ये उसका सोशल वर्क है, सेव अ गर्ल चाइल्ड जैसे कैंपेन लेने पड़ते हैं. आज भी सोनोग्राफी करने के लिए जाओ, अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है उसको लेके जाओ, तो वो रिपोर्ट में नीचे लिखा हुआ रहता है कि वी हैव नॉट डिस्क्लोज द जेंडर टू द पेशेंट. वेयर मैंने हाल ही में देखा, मेरी बेटी लंदन रहती है, वहां भी उसके साथ में गई थी सिक्स प्रेगनेंट, तो उसको तो 6 महीने में बता दिया क्या है, लड़का है या लड़की. और अगर हम लोग उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, तो दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों. ये जो भयानक मानसिकता है अपने यहाँ एक लड़की के बारे में, इरिस्पेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली, आज की तारीख में मैं ऐसा नहीं बोल रही, बहुत सारे घर ज्यादा करके घर ऐसे हैं कि लड़कियों के लिए तरस रहे हैं, बट आई नीड टू से दैट दिस इज स्टिल देयर, ये आज भी है. और दूसरी बात की जब सुरक्षा की बात आती है, कुछ बात सचिन ने भी की, तो अगर सब कुछ बदला है तो हमारे में से एक भी जन को अपनी बेटी लेट आएगी रात में तो कुछ भी डर नहीं लगना चाहिए. ऐसा होता है क्या? अरे बेटी तो छोड़ दो, हम भी नहीं करते है ना. तो क्यों ऐसा है? क्योंकि ये सामाजिक सुरक्षा का जो सवाल है वो अभी भी बहुत सीरियस है. उसके कारण क्या है और उसको कैसे बदलना है, जब चेंज की बात आती है तो हम लोग बहुत एक्सपर्ट रहते हैं, हम बाहर के देश देखते हैं या तो कुछ भी अच्छा देखते हैं, हम बदलना चाहिए, सब बदलना चाहिए. लेकिन ये कैसे बदलना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि प्रोग्रेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट चेंज एंड यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग अनलेस एंड अंटिल यू चेंज योर माइंड. तो हर चीज आखिर में आके हम लोग अगर एनालिसिस करते हैं तो हर चीज अल्टीमेटली इट कम्स टू योर माइंड, इट कम्स टू योर थॉट प्रोसेस, इट कम्स टू योर बिलीफ सिस्टम एंड योर एटीट्यूड. क्योंकि बदलाव की बात करते हैं तो जरूरी है ये समझना जरूरी है, जैसे मान लो स्वच्छ भारत अभियान है तो भारत को स्वच्छ करना है, लेकिन मेरी क्या जिम्मेदारी है उसमें, ये जब तक मैं नहीं समझती हूँ, अनलेस अंटिल आई बिकम अ पार्ट ऑफ दैट मोमेंट. वैसे ही ये सब जो बदलाव हमें चाहिए उसके लिए पहली चीज ये समझना है कि आई नीड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट चेंज. नथिंग इज गोइंग टू चेंज अनलेस अंटिल आई स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट. तो करना तो क्या है, उसमें मुझे एक गांधी जी की स्टोरी अभी मैंने पढ़ी, बहुत रेलिवेंट है इसलिए बताती हूँ. गांधी जी के पास एक माता उसके छोटे बच्चे को लेकर आई और मतलब उन पर इतना विश्वास हरेक का था कि मेरा सोल्यूशन यहाँ मिल जाएगा. तो उसने पूछा कि मेरे बेटे को बहुत मीठा खाने की आदत है, बहुत ही, तो आप उसको कुछ समझाइए. तो गांधी जी ने सुना और वो बोले कि आप 15 दिन के बाद आओ. वो कुछ समझी नहीं, 15 दिन के बाद वापस आई, वही सवाल पूछा और गांधी जी ने उस बच्चे को उनके तरीके से बड़े शांति से प्यार से समझा दिया कि नहीं खानी चाहिए. फिर वो लेडी ने पूछा कि ऐसा क्यों, ये चीज तो आप पहले ही बता सकते थे. फिर गांधी जी बोले कि ये 15 दिन में मैंने खुद शक्कर छोड़ दी, तो अभी मुझे ये अधिकार आया है कि मैं उसको समझा दू. सेम वे उसी तरह से जो बदलाव हम बाहर चाहते हैं वो बदलाव मेरे से शुरू होगा, ये पहला थॉट मेरे मन में आना जरूरी है. अभी ये जो बदलाव की बात है वो 3 पॉइंट्स में मैंने उसका एनालिसिस किया है कि क्या बदलना चाहिए. उसमें नंबर 1 अपनी खुद की इमेज, जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट की लैंग्वेज में सेल्फ एस्टीम. नंबर 2 एक महिला का दूसरे महिला के प्रति आचरण, सबसे इम्पोर्टेंट. और तीसरा, उसको खास करके मैंने तीसरे नंबर पर रखा है क्योंकि तीसरा नंबर पहले 2 चीजों पर
निर्भर है। तीसरा, पुरुषों के हमारी तरफ देखने की मानसिकता। पहला जो पॉइंट है कि मैं मेरे बारे में क्या सोचती हूँ। अगर मैं ऐसा सोचती हूँ कि आई एम परफेक्ट, मैं कुछ नहीं, मैं जो मेरा प्रेम है, जो मेरा सेफ जोन है, उससे बाहर नहीं आऊंगी तो कुछ बदलाव नहीं आएंगे। दूसरा, एक महिला का दूसरे महिला के प्रति व्यवहार, ये बहुत बहुत अहम पॉइंट है, क्योंकि आप एग्री करोगे कि ये पुरुषों मतलब जेंट्स लोगों को ये बोलना अत्याचार उनसे होते हैं वगैरह, ये सब बात की बात है। बहुत बार ये देखा गया है कि एक महिला ही दूसरी महिला की शत्रु है। हमारे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स दूसरी महिला के वजह से है। जब ये खत्म होगा, और ये कब खत्म होगा कि भगवान ने हमको जो एक दया शांति प्रेम करुणा और स्नेह ममता प्यार ये सब खोज के भर के भेजा है, लेकिन हम करते क्या है? क्या हम इसका उपयोग हर महिला के साथ व्यवहार करते समय करते हैं? बस ये सवाल पूछना है। हम सब लोग बहुत होशियार है इसका जवाब ढूंढने में। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द वुमन स्टैंडिंग बिफोर मी, इररिस्पेक्टिव ऑफ हर इकोनॉमिक स्टेटस, इररिस्पेक्टिव ऑफ हर एज एंड स्टेज, मेरा व्यवहार क्या उसके साथ ममता भरा और कुछ तो उसको जिसकी वजह से उसका जीवन कुछ सुधारेगा। छोटी सी चीज करनी है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़ी चीज करनी है। अगर हम अपनी जिंदगी में एक भी इतनी छोटी सी चीज, नॉट ओनली रिलेटेड टू वुमन एंड सेइंग, किसी भी कंस्ट्रक्टिव काम में हम अगर थोड़ा सा समय भी देते हैं तो अपनी पूरी विजन बदल जाती है जिंदगी की तरफ देखने का। जैसे मैं यहाँ एक उल्लेख करना चाहती हूँ, हमारी जो फ्रेंड है पूनम, वो आपने पढ़ा होगा, तो उसका काम इतना नॉर्मल है, सुबह उठती है, उसके कार में ठंडे पानी की बॉटल भरी हुई रहती है, मेरे घर में भी बॉटल से तो दे दो भाभी को, दे दियो, और सुबह उठ के सभी स्क्वेयर में सभी पुलिसमैन को वो ठंडा पानी पिलाती है। इतना देखो मतलब बहुत छोटा काम, बहुत इम्पोर्टेंट काम हर कोई कर सकता है, लेकिन सवाल है सोच का। मुझे बहुत बार लगता है कंस्ट्रक्टिव काम हाथ में, आज के दिन हम सब लोगों ने ऐसा कुछ कंस्ट्रक्टिव काम अगर हाथ में लिया, एक कंस्ट्रक्टिव काम मुझे हमेशा नागपुर के हिसाब से लगता है, नागपुर इज स्लोली बिकमिंग अ सिटी ऑफ सीनियर सिटीजन, सिविलाइज्ड, सब यंग बच्चे बाहर गए हैं और अकेली रहने वाली बहुत बूढ़ी औरतें, बहुत एज वाले सीनियर सिटीजन है, उनके पास आप हफ्ते में आधा घंटा भी जाके अगर बैठते हो और उनसे खाली बात करते हैं, उसके लिए वो तरस रहे हैं, कितना छोटा काम है, लेकिन ये काम करने के बाद क्या होगा, आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, दूसरे एरिया में भी आप अच्छे से काम कर पाओगे, और ये जो महिलाओं के प्रति की बात हो रही है उसमें भी आपके बर्ताव में बदलाव आएगा। प्लीज डोंट टेक इट इंडिविजुअली, किसी की तरफ मेरा इस तरह नहीं है, लेकिन हम सब लोग ये देखते हैं कि घर में अच्छे अच्छी फैमिलीज में भी एक स्पेसिफिक जो रिलेशन है उसके लिए कायदे कानून बनाने वाली और उसको एक फ्रेम में ढालने वाली दूसरी महिला ही रहती है, यू विल एग्री, और वही रूल दूसरे नाते के लिए नहीं रहता है। ये उसको अन्याय नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे, ये असमानता और अन्याय है, और ये कौन दूर कर सकते हैं, वो महिला ही कर सकती है। लेकिन फिर सवाल आता है सोच का, सोच बदलनी है कि ये दूसरी महिला ही है मेरे सामने खड़ी और मेरा ये कर्तव्य बनता है कि उसको अपनी निजी जिंदगी जीने का अधिकार देना, ये मेरा कर्तव्य बनता है। जैसे एक छोटा एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ, मेरे पास एक यूरोप का बच्चा लड़का था, स्टूडेंट था, पढ़ने के लिए आता था और वो एक फैमिली में रहता था, और आके मुझे एक दिन उसने पूछा कि उस फैमिली में एक नई मतलब वो